बिहार के विधानसभा चुनाव में अब चुनावी घमासान में अब नेता एक दूसरे पर निजी हमला करने लगे हैं। अपनी चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने आज 8-9 बच्चे वालों को कोसा। नीतीश ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग समझ रहे थे कि उनका निशाना कहां है। नीतीश कुमार ने आज वैशाली जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा की। महनार में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो बिहार में जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और किसी को चिंता है। लोग 8-9 बच्चे पैदा करते हैं, बेटियां हो गई तब बाद में बेटा हुआ। नीतीश कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना किस पर साधा जा रहा है ये लोग समझ रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने चुनावी सभा में फिर से तेजस्वी पर ताबड़तोड़ हमला बोला। नीतीश बोले, आजकल लोग बहाली बहाली की बात करते हैं, ये पहले क्यों नहीं किया? जिस कभी काम किया ही नहीं वो कुछ भी बोल सकता है, उसे क्या समझ में आएगा? हम लगातार काम करते रहे हैं, कभी हम कहीं छुट्टी पर गए क्या? हम लोग सबको कहते हैं कि सेवा कीजिए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मेवा खाने की बात करते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग चुनावी के समय तरह तरह की बातें करते हैं, लोगों को उनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। नीतीश बोले, हमने समाज के हर तबके का विकास किया है, हमारे विकास सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं, पुरुष महिला दोनों शामिल है। कुछ लोगों की रुचि बयानबाजी में है, हम सिर्फ काम में विश्वास करते हैं। जिनको अनुभव नहीं है वो अपने सलाहकार के माध्यम से अनाप शनाप बोलते हैं, उसमें उनको प्रचार भी हासिल होता है।